अंत तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इस एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा सूरत के दत्त मंदिर श्री लीला विशंबरा दत्त मंदिर की महिमा, उनके दर्शन करवाऊंगा, बताऊंगा भगवान दत्त के 16 अवतार कौन से हैं, कौन कौन से हैं 16 दत्त श्री क्षेत्र, सबसे बड़े 16 दत्त मंदिर कौन से बताऊंगा, भगवान दत्तात्रेय कौन हैं और उनकी जन्म कथा जो आप पहले से जानते होंगे लेकिन सुन के आनंद आएगा। पर तो शुरू करते हैं बोलकर दत्तात्रेय जी का मंत्र, दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा, ओम गुरु दत्तो नमो नमः। उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है क्योंकि वो सबसे पहले गुरु थे, नाथ संप्रदाय के सबसे पहले गुरु, तंत्र साधना और योग के पहले गुरु हैं दत्तात्रेय जी। पर उनका सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है श्री गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता श्री गुरु दत्ता। गुरुवार के दिन कम से कम एक माला जरूर करें श्री गुरु दत्ता की, स्फेटिक की माला से करें तो उत्तम फल मिलते हैं। आजन्म ब्रह्मचारी थे, अवधूत थे और दिगंबर रहे थे भगवान श्री दत्त। गुल्लर वृक्ष दत्तात्रेय जी का सर्वाधिक पूजनीय रूप है, इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर आपको कोई गुरु ना मिले तो आप दत्तात्रेय जी को अपना गुरु बना सकते हैं क्योंकि गुरु का जीवित होना जरूरी है और दत्तात्रेय जी अमर बने गए हैं और सबसे पहले गुरु परंपरा उन्हीं ने स्टार्ट की थी। भक्त की पुकार पर जल्दी चले आते हैं, ज्ञान और बुद्धि की ताकत और मोक्ष देने वाले हैं। प्रदोष काल में इनकी पूजा खास की जाती है, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को प्रदोष काल में जन्म हुआ था क्योंकि उनका दत्त जयंती मनाई जाती है इसी दिन। भगवान परशुराम को विष्णु के अवतार हैं, दत्तात्रेय जी ने उन्हें विद्या मंत्र दिया था, 3 सर 6 हाथ शंख गदा पद्म त्रिशूल डमरू कमंडल रुद्राक्ष धारण किया हुआ उनका रूप है, भस्म धारण किए होते हैं। कार्तिक जो भगवान शिव के पुत्र थे उन्होंने कई विद्याएं सिखाई थी भगवान कार्तिकेय को, कुत्ता और गाय उनकी सवारी है और उन्हें अति प्रिय है। दत्तात्रेय जी के 4 अवतार हुए जिनमें प्रमुख हैं श्री पाद वल्लभ, दूसरे हैं श्री नरसिंह सरस्वती जी, तीसरे हैं मणिक प्रभु और चौथे हैं स्वामी समर्थ। प्लस और भी बहुत सारे उनके आंशिक अवतार भी हुए जैसे वासुदेव सरस्वती और जैन के धर्म के नेमिनाथ भगवान। गंगा जी में डेली नहाने के लिए जाते थे, काशी में मणिकर्णिका घाट पर दत्तात्रेय जी के चरण पादुका भी हैं। आगे आपको बताऊंगा दत्तात्रेय के 16 अवतार और श्री क्षेत्र के बारे में, पर पहले बताऊंगा जो आप पहले से जानते हैं वो है दत्तात्रेय जी की जन्म कथा, क्योंकि इसके बिना वीडियो अधूरा है और उनकी कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो टोटल 5 सती हुई थी जिसे पवित्रता के लिए माना जाता है। तो पहली थी सती अनुसुईया जो दत्तात्रेय जी की माँ थी, दूसरी थी द्रौपदी, तीसरी सुलक्षणा मेघनाथ की माँ, चौथी सती सावित्री जिसकी कथा आपने सुनी होगी, और पांचवी मंदोदरी रावण की पत्नी। तो चलिए सती अनुसुईया जो सती थी उनकी शादी हुई ऋषि अत्रि के साथ में। ऋषि अत्रि जो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र थे, उन्होंने भगवान विष्णु का तप किया और वरदान पाया कि उन्हीं के यहाँ पर विष्णु भगवान पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन एक बार देवी सती अनुसुईया की महिमा चारों ओर फैली थी तो लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती जी को ऐसा हुआ कि उनसे बड़ी सती कौन है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश को भेजा कि आप उनकी परीक्षा लेके आएं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों साधु बनकर सती जी से भिक्षा लेने के लिए गए। मंदिर में ऐसे ही हवन होता है, अभिषेक होता है, आगे डेट्स भी आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, आप चाहें तो अपने नाम से पूजा करवा सकते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो साधु बन के गए थे उन्होंने सती जी से कहा कि उन्हें भिक्षा चाहिए और वो भी उनसे निर्विस्त्र। तो अगर साधु को खाना नहीं खिलाते तो उनकी तिथि अतिथि देवो भव का नियम टूट जाएगा क्योंकि वो साधु को खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाती थी, और अगर वो निर्वस्त्र जाएंगी तो उनका सतीत्व टूट जाएगा। तो सती जी ने अपने सतीत्व के बल से उनके ऊपर पानी छाटा और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया। अब लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती जी परेशान हो गए कि उनके पति तो छोटे बच्चे बन गए हैं, तो उन्होंने जाकर सती जी से प्रार्थना की कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे बच्चे वापस दे दीजिए। तो सती जी ने कहा इसमें से अपने अपने पति पहचान लीजिए, लेकिन बाल रूप में अपने पतियों को नहीं पहचान पाई तो उनका सतीत्व भंग हो जाता, तो सती जी की परीक्षा लेने में खुद उनके साथ उल्टा हो गया। तब उन्होंने सती जी से माफ़ी मांगी, तब ब्रह्मा विष्णु महेश वापिस अपने रूप में प्रकट हुए और वरदान दिया कि वो तीनों उन्हीं के कोख से उत्पन्न होंगे। तो एक कथा के अनुसार भगवान दत्त जो विष्णु के अवतार हैं,
दूसरे शिव हैं दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी सोम के रूप में प्रकट हुए, लेकिन दूसरी कथा के हिसाब से भगवान दत्तात्रेय के तीन सर हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। वो तीनों की ताकत रखते हैं, तीन सर वाले हैं और सबसे आसानी से प्रसन्न होकर वरदान देने वाले हैं। अभी ये जो मंदिर ही आपने दर्शन किए, ये थे श्री लीला विशंबरा दत्त मंदिर सूरत का। श्री परमहंस परिवर्धक आचार्य श्री वासुदेवानंद स्वामी ने बताए 16 अवतार दत्तात्रेय जी के, जिनके स्मरण करने से सभी पाप धुल जाते हैं और दुख दूर हो जाते हैं। पहला अवतार था योगी राजा, जो धरती पर आए थे कार्तिक सूद पूर्णिमा को। दूसरे थे अत्रिवरदा, इस अवतार को सभी मंत्रों का सार बताया गया है। तीसरे थे दत्ता प्रभु, दत्ता प्रभु ने खुद को अत्रि ऋषि को सौंप दिया था। चौथे थे कालाग्नि छमन, अत्रि ऋषि के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लिया। पांचवे थे योगीजन वल्लभा, दया की मूर्ति थे और अपने भक्तों के लिए वो। छठे थे लीला विशंबरा, पुष्य पूर्णिमा को प्रकट हुए और बाल रूप में अपने भक्तों को बचाने के लिए, ये उन्हीं का वीडियो भी आप उसी मंदिर का देख रहे हैं। सातवें थे सिद्ध राजा, योगा से कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ये उन्होंने बतलाया। आठवें थे जनन सागर, योगा और पूर्ण जीवित ज्ञान का प्राप्ति के लिए उन्होंने सिस्टम सिखाया था। नौवें थे विशंबर अवधूत, भक्ति योग की स्थापना उन्होंने की थी। दसवें अवतार थे मायायुक्त अवधूत, भक्तों को सांसारिक सुख देने वाले थे। ग्यारहवें थे माया मुक्त अवधूत, जो भक्तों में काम लोभ लालच को खत्म करने वाले थे। बारहवें थे आदिगुरु, ब्रह्म ज्ञान दिया उन्होंने उत्तम अपने अधिकारियों को। तेरहवें थे श्री शिवपुरा, मध्यम अधिकारियों को उन्होंने ज्ञान दिया। चौदहवें थे श्री देवादेवा, अपने भक्तों को आत्मपद दिया। पंद्रहवें दिगंबर, श्री दिगंबर वैराग्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। और सोलहवां अवतार था श्री कृष्ण श्यामा कमलनयन, 16 कलाओं से पूर्ण अभिव्यक्ति के हैं श्री लीला विशंबरा दत्ता मंदिर। जैसे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, विष्णु भगवान के 4 धाम हैं और मैया जी के 51 शक्तिपीठ हैं, वैसे ही दत्तात्रेय भगवान के 16 दत्त क्षेत्र हैं। तो पहला है श्री क्षेत्र महुर, महाराष्ट्र में है नांदेड़ के पास में। दूसरा है श्री क्षेत्र गिरनार, गुजरात में 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तीसरा है श्री क्षेत्र पंचलेश्वर, वो भी महाराष्ट्र में है। चौथे श्री क्षेत्र पीठापुरम, आंध्र प्रदेश में है। पांचवा श्री क्षेत्र गोकर्ण, कर्नाटक में। छठे श्री क्षेत्र करवापुर, कर्नाटक में। सातवें श्री क्षेत्र करनाजा, करंजा, वाशिम डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। आठवें श्री क्षेत्र अडुम्बर, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। नौवें श्री क्षेत्र नरसोबावाड़ी, महाराष्ट्र में, कोल्हापुर के पास। दसवें श्री क्षेत्र गंगापुर, महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर पर। ग्यारहवें श्री क्षेत्र श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन में। बारहवें श्री क्षेत्र मणिक नगर, कर्नाटक में। तेसरा श्री क्षेत्र अक्कलकोट, तुलजाभवानी शक्ति के पास, शक्तिपीठ के पास, महाराष्ट्र में। चौदहवें शिरडी में। पंद्रहवें मानागांव, मानगांव महाराष्ट्र में। सोलहवें गरुडेश्वर, गुजरात में। और सत्रहवें शेगांव में, जो के महाराष्ट्र में है। तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए भगवान दत्तात्रेय के श्री क्षेत्रों के दर्शन करने का। तो बोलिए जय श्री दत्ता, श्री गुरु दत्ता, श्री गुरु दत्ता, श्री गुरु दत्ता, श्री गुरु दत्ता। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ, दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। आप भी बोलिए दिगंबरा।